हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के एक और नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ पैलेडियम मॉल में, पैलेडियम मॉल मुंबई में। और यहाँ पर अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ का पीवीआर, जो कि है पीवीआर आइकन। और यहाँ हम लोग कौन सा मूवी देखने आए, ये तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो अभी चलिए, अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि मैं बताया था कि अभी मैं आया हूँ पीवीआर आइकन में, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर से लेकर ये पूरा बिल्डिंग पूरा पीवीआर का ही है। और इधर जो आप ये देख रहे हैं, इधर आपका पूरा पैलेडियम मॉल है, और मॉल के अंदर से काफ़ी सुंदर है। और इधर से जो है ये है आपका पीवीआर आइकन का एंट्री। तो अभी तो हम लोग का मूवी जो है उसमें स्टार्ट में टाइम है, तो तब तक के लिए हम लोग अभी आप लोग को जो है आपका पैलेडियम मॉल का अंदर कुछ व्यूज़ दिखा देंगे। और जहाँ तक मूवी का बात है, तो हम लोग आज देखने आए हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी, जो कि रात 11 बजे का शो है। और वह ख़त्म होते होते उसको बजेगा 3। तो चलिए अब हम लोग वेट करते हैं मूवी स्टार्ट होने, क्योंकि मूवी स्टार्ट होने बहुत टाइम है। तो हम थोड़ा बाद चलेंगे अंदर और आपको अंदर दिखाएंगे, बट उससे पहले हम लोग चल के आपको थोड़ा सा पैलेडियम मॉल के अंदर का दिखा देते हैं। ऑल राइट गाइस, सो आई होप आप लोग को ये पैलेडियम मॉल का छोटा सा एक व्यू पसंद आया हो। और अब हम लोग चल रहे हैं पीवीआर आइकन्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन लगनी चालू हो गया है। ये कौन है, सुशीलिया आ गया क्या? ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हैं ये है पीवीआर आइकन, और देखिए काफ़ी सुंदर और लग्जरियस है। और यहाँ पर इस फ्लोर पे जो है आपको नॉर्मल और लक्स के जो स्क्रीन है वो मिल जाते हैं, यानी चार ऑडियंस यहाँ पर है, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पर से आप कुछ भी खाने ले सकते हैं। और हम लोग का जो है वो है आईमैक्स, जो कि 8th फ्लोर पे। तो हम लोग भी चल रहे हैं, हम लोग लिफ्ट से जा सकते हैं, बट हम जाएंगे एड्रेस से। ऑलराइट, तो ये है हम लोग, ये है कोटक का आईमैक्स का फ्लोर, जिसमें ऑडियंस नंबर 5 और 6 है। और अभी हम लोग का जो है वो किसमें, वो थोड़ा देख के बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर काफ़ी ही बैठने का भी काफ़ी अच्छा जगह है,
ऑलराइट, तो अभी हम लोग अंदर आके आराम से बैठे हुए, और क्योंकि अभी हम लोग का जो मूवी है वो स्टार्ट होने काफ़ी टाइम है, ये हम लोग थोड़ा सा गलत टाइम पता चला था कि हम लोग एक्चुअल में 11:30 पे स्टार्ट होगा और अभी हो रहा है 10:30, तो अभी भी एक घंटा है कि, तो अभी हम लोग आराम से यहाँ पर एक घंटा आराम करेंगे और उसके बाद फिर तो मूवी स्टार्ट होगा, जब तक मूवी स्टार्ट होगा तब हम जाएंगे, और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पॉपकॉर्न लिए छोटा टेस्ट करने के लिए, तो ये हम लोग अभी खा रहे हैं और उसके बाद चलते हैं और फिर हम लोग जब मूवी स्टार्ट होता है तो मूवी इंजॉय करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो मूवी हो चुका है अब समाप्त और हम लोग भी अब मूवी यानी हॉल से बाहर आ गए और यहाँ तक कि हम लोग पैलेडियम मॉल जो है फिनिक्स पैलेडियम मॉल जो हम लोग पीछे आप देख सकते हैं लाइट जगमगा रहा है उससे भी आ चुके बाहर, और यहाँ से अब हम वेट कर रहे हैं बस अपना कैब आएगा उससे हम चलेंगे जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मूवी का कैसा था, तो मूवी ठीक था, एक ब्लैक पैंथर मूवी से जिस टाइप का एक्सपेक्टेशन था वैसे ही रहा, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड नहीं थे। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ का PVR मुझे कैसा लगा, तो डेकोरेशन वाइज लग्जरी वाइज काफ़ी सुंदर है और लग्जरियस में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लग्जरी है देखने में, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल था, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ तक कि आप अपना बैग भी आपका जो बैगेज है आप लेके आए तो आप उसको लेके जा सकते हो, वो भी अलाउड था। और बट फिर एक चीज़ का मुझे कमी लगा, जो IMAX क्वालिटी था 3D IMAX क्वालिटी वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, इससे बेटर मैंने देखी है, इससे बेटर मुझे न्यू दिल्ली के लगे हैं जो कि न्यू दिल्ली का वेगस मॉल का, वो इससे ज़्यादा बेटर था। तो बट वॉच अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब इसी के साथ जो है हम लोग ये रिव्यू को ये PVR का जो एक्सपीरियंस ब्लॉग है इसको यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और फिर मैं मिलूँगा आपसे कुछ नए ब्लॉग्स पे नए लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।